मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें, आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए और विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखें। उन्होंने कहा, पूरे परिश्रम से दिन रात कार्य कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों से कहा, वे अपने भ्रमण, जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नए कृषि कानून के फायदे के बारे में चर्चा करें। किसानों के साथ ही सभी वर्गों को देश की आर्थिक प्रगति की दिशा नए कृषि कानूनों के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी जाए। उन्होंने होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नए किसान अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 में की गई कार्रवाई को आदर्श बताते हुए अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा की। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बने इन कानूनों के प्रावधानों का विवरण भी जनता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए मंत्री नेतृत्व करते हुए इस कार्य को पूर्ण करें। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि आगामी 18 दिसंबर को पूरे राज्य में किसानों को राहत राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। प्रदेश के 35,50,000 किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। पिपरिया का उदाहरण आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3,000 रुपया धान बेचना तय हुआ और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की तो हमारे एसडीएम ने बुला के 3,000 रुपए का रेट दिलवाया इस कानून के तहत। मेरा आपसे ये कहना कि इस बीच हम में से हर एक मंत्री एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जरूर करे, अपने अपने गृह जिले में करिए, कोई उपयुक्त स्थान आप देखें। कई मंत्री हमारे बोल रहे हैं, हमको सारे तथ्य किसानों के सामने रखना चाहिए। ये क्रांतिकारी कानून किसानों की जिंदगी बदलेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है किसानों की आय दुगना करने की, और इसलिए हमको इनके पक्ष में पूरी ताकत के साथ बोलना है। आज हम किसान सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरे तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं और कई नए इनिशिएटिव हमने लिए हैं। अभी किसानों के कल्याण के लिए 18 दिसंबर 2020 को हम जो राहत की राशि है जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार खा गई थी, लेकिन हमने किसानों को वचन दिया कि हम राहत की राशि किसानों के खाते में डालेंगे और उसी के तहत हम 18 तारीख को लगभग 35,50,000 किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपया डालेंगे। अभी जो कुल राहत की राशि बनती है उसके एक हिस्से को हम डाल रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।